ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के शुभारंभ के दौरान बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ड्रोन उड़ाया। जब उनका ड्रोन 60 फीट की ऊंचाई पर था तो अनियंत्रित होने लगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम के अनियंत्रित ड्रोन को उसी अंदाज में थाम लिया जैसे सत्ता से बेदखल होने पर बीजेपी में आकर शिवराज को फिर से सीएम बनवाया था। न्यूज 8 वियो, सिंधिया ने ड्रोन उड़ा रहे सीएम के हाथ के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथों से ऑपरेट किया, साथ ही आसमान में लड़खड़ा रहे ड्रोनों को सुरक्षित नीचे उतारा। सिंधिया का इस अंदाज में सीएम की मदद करना शहर में चर्चा बना हुआ है। इतना ही नहीं, सिंधिया के साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा भी सीएम की मदद करते नजर आए। सिंधिया और बीडी शर्मा सीएम के सबसे बड़े सहयोगी नजर आए। मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई और धन्यवाद दोनों देता हूँ। यहीं इसी मैदान में कुछ दिनों पहले तय किया था कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। उनमें से सबसे पहला स्कूल आज ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर प्रारंभ हो रहा है। हमारे कृषि मंत्री जी भी हमारे साथ हैं। ड्रोन का जो उपयोग है वो केवल खेल के लिए नहीं है, किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कोई भी चीज़ कहीं भी भेजना हो, केवल खेती के लिए नहीं बाकी कामों के लिए उपयोगी, उसके लिए ड्रोन बहुत उपयोगी है। ड्रोन स्कूल खोल के बच्चों को ट्रेनिंग दे के, क्योंकि आने वाले समय में ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा और ड्रोन से रोजगार भी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे, उसके लिए आज का दिन मैं मानता हूँ कि ऐतिहासिक है। एक बार फिर प्रथम ड्रोन स्कूल के लिए सिंधिया जी को बधाई देता हूं। आपने कहा आप खेती में इस्तेमाल करेंगे इस टेक्नोलॉजी को। हाँ हाँ, नरेंद्र सिंह जी का बहुत जोर है, हमारे अध्यक्ष जी भी साथ है। क्योंकि देखिए, हाथ से जब आप फर्टिलाइजर डालते हैं, कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो वो स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचाता है। ड्रोन बिल्कुल सेफ है। एक तो हाथ से डालने में कम और ज़्यादा डलता है, इसमें तो फिक्स कर दिया कितना जाना है, तो कृषि का उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और संतुलित मात्रा में हम उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग कर पाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को